भूख एक ऐसी चीज है जो इंसान को हैवान और जानवर को इंसान जैसा बर्ताव करने में मजबूर कर देता है। भूख ही एक ऐसी चीज है जो इंसान के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और हम सब जानते हैं कि एक भूखा जीव किस हद तक जा सकता है। ऐसा ही चौंका देने वाला एक मामला सामने आया असम के मालापुरम जिले में। गुड आफ्टरनून, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट, मैं आपके साथ नौशिबा खान। आइए जानते हैं पूरी घटना। प्रतिदिन 10,000 से अधिक बच्चों सहित 25,000 लोग भूख और संबंधित कारणों से मर जाते हैं। अनुमान है कि दुनिया भर में लगभग 854 मिलियन लोग अब कुपुष्टि में हैं, और उच्च खाद्य कीमतें अन्य 100 मिलियन लोगों को गरीबी और भूखमरी में ढकेल सकता है। एक चौंका देने वाली घटना में असम के एक मूल निवासी ने कथित तौर पर मालापुरम जिले के कुट्टीपुरम में एक कच्चे बिल्ली खा ली। जी हाँ, घटना शनिवार शाम बस स्टैंड पर हुई। दर्शकों के इस सवाल के जवाब में कि वह इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा था, युवक ने दावा किया कि उसने भूखे होने के कारण बिल्ली खा ली। घटना के बाद जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने युवक के लिए कुछ खाना खरीदा। लोग इस बात से भी हैरान है कि आखिर युवक ने ऐसा हरकत क्यों किया, जबकि वह भूख से मर रहा होगा तो लोग उसे खाना खरीद दे दिए होंगे। स्थानीय लोगों को तब एहसास हुआ कि युवक बिल्ली के शरीर के अंगों को खा रहा है, जब उन्होंने उसे बस स्टैंड के पास कुछ खाते हुए देखा और मामले की जांच की। उन्होंने उसे खाना बंद करने को कहा, हालांकि उसने इससे इनकार कर दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक 2 दिनों से भूखा था। पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए सारे खाने खाकर वह जल्द ही वहां से चला गया। स्थानीय लोगों ने उसे पिछले कुछ दिनों से इलाके में घूमते हुए देखा है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, हालांकि वह ज्यादा देर तक नहीं रुका। तो क्या जब स्थानीय लोग जानते थे कि वह 2 दिन से भूखा है, तो क्या वह लोग नहीं दे सकते थे उसे खाना, या फिर इंसानियत ने भी यहाँ दम तोड़ दिया था? उस मासूम जानवर का क्या जिसने अपनी जान देकर शख्स की भूख मिटाई? ये घटना मालापुरम जिले के कुट्टीपुरम का है, और मूल निवासी कथित तौर पर कच्चे बिल्ली खा ली। रिपोर्ट के मुताबिक युवक 2 दिन से भूखा था और इस वजह से उसने बिल्ली खाने की इच्छा जताई। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए देखते रहे द लोकल जर्नलिस्ट।